बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल। तो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली रिलेशनल अलजबरा देखा। रिलेशनल अलजबरा में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे, जैसे सिलेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसी तरह से डिफरेंस है, और जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जॉइंट्स में भी यूज़ होता है। इसी तरह से हम आगे जॉइंट्स वाला भी एक पूरा लेक्चर अभी इंशाल्लाह आप एसक्यूएल में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम ये ऑपरेटर्स भी अप्लाई करेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली एक ऑप्टिमाइज प्लान है जो कि यूज़ होता है हमारे पास बेसिकली एसक्यूएल में। अब एसक्यूएल जो है वो एग्जीक्यूट करती है बेसिकली आपके एक रिलेशनल अलजेब्रा प्लान को। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज देखेंगे और टाइप्स ऑफ एसक्यूएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है एंड व्हाट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। ओके, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज SQL। इसको बेसिकली प्रोनाउंस आप SQL से करते हैं, स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, S फर्स्ट वर्ड, Q सेकेंड एंड L इज द लास्ट वर्ड की वर्ड स्टार्टिंग। SQL इज यूज टू कम्युनिकेट विद अर डेटाबेस अकॉर्डिंग टू ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। SQL statements are used to perform tasks such as update data on a database or retrieve data from a database. अब SQL की लैंग्वेज यूज किस लिए होती है? इट इज़ बेसिकली यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। आपने एक डेटाबेस बना दिया है और उस डेटाबेस में आपने रिलेशनल मॉडल इम्प्लीमेंट किया है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशनल मॉडल पढ़ा। अब उस रिलेशनल मॉडल में आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। अब वो टास्क परफॉर्म आपने क्या करनी है, जैसे आपने कोई डेटा अपडेट करना है, जैसे आपने कोई डेटा रिट्रीव कराना है, जैसे आपने कोई डेटा डिस्प्ले कराना है, आपने कोई डेटा डिलीट करना है, तो उसके लिए आप बजाय इसके के जाके आप पूरा टेबल, लेट सपोज़ आपने कोई डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट करना है या डिस्प्ले कराना है, अपडेट करना है, तो आप जाके पूरा उसको डिलीट करें पहले, उसके आप बाद आप पूरा जो रिकॉर्ड है वो दोबारा आप ऐड करें। तो उसके लिए आपके पास एक अप्रोच है कि आप SQL की एक क्यूरी जस्ट ऐड करेंगे और वो क्यूरी आपके पूरे डेटाबेस में जहाँ जहाँ कहीं भी, क्योंकि आपका डेटाबेस कनेक्टेड है, डिफरेंट टेबल्स आपके डिफरेंट प्लेसेस में मौजूद हैं, आप कहाँ कहाँ से जाके डेटा को डिलीट करेंगे या उसको डेटा को अपडेट करेंगे, तो आप जस्ट एक क्यूरी अप्लाई करेंगे तो वो रिलेटेड टेबल्स में जहाँ भी वो डेटा मौजूद होगा वो उन सब टेबल से, उन सब रिलेशन से वो डाटा अपडेट भी हो सकता है, वो डाटा डिलीट भी हो सकता है और आप उस डिफरेंट टेबल से उस डाटा को रिट्रीव भी करवा सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली आपके पूरे डेटाबेस के इंजन से जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है कि आपके उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स बने हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, आपके टेबल्स बने हुए हैं, रिलेशनल मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके ऊपर आपने फर्दर टास्क क्या क्या परफॉर्म करने हैं। टाइप्स ऑफ SQL आपके पास थ्री टाइप्स हैं, एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये जो DDL है इज अ पार्ट ऑफ SQL दैट अलाउज अ डेटाबेस यूजर टू क्रिएट एंड रिकंस्ट्रक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज क्रिएशन, ऑर्डर, डिलीशन ऑफ टेबल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप बेसिकली, इसको हम DDL भी बोलते हैं, एक पार्ट है SQL का, टाइप है, और इसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं या फिर आप डेटा डिलीट करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने टेबल्स को क्रिएट करेंगे। एक तो आप टेबल्स, दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक कमांड लाइन और एक आपके पास होती है यूज़र इंटरफेस। अगर आप कमांड लाइन वाली ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी जब आप क्रिएट करते हैं तो तब आप उसमें सारे टेबल क्रिएट करते हुए उसकी आप पर टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, उनकी डेटा टाइप्स क्या क्या होंगी, उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ SQL यूज टू मैनिपुलेट डेटा विद इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस। जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो बेसिकली डेटा को मॉडिफाई करने के लिए है और चेंज करने के लिए है, जिस नाम से ही पता चल रहा है मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट करना, चेंज करना, अपडेट करना। तो जितनी भी क्यूरीज होंगी अपडेट या चेंज से रेलेवेंट वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएंगी। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है TCL, इसको हम डिनोट करते हैं TCL से। इसमें इंक्लूड्स द कमांड्स दैट अलाउज द यूज़र टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शंस। जो TCL है वो बेसिकली जितनी भी डेटाबेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि एट ए टाइम आप टोटल इतनी ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे आपने अगर देखा है कि आप पासवर्ड जो है वो रीट्राई इतनी दफ़ा कर सकती हैं, उसके बाद आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन सिस्टम देख रहे हैं बैंक का, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, उसमें अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास पासवर्ड रीसेट करने की जस्ट 3 ट्राइज होंगी। जो पासवर्ड ट्राई करने की आपके पास जस्ट 3 ट्राइज हैं, उसके बाद आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और आपको उसको एक फिर दोबारा प्रॉपर चैनल के थ्रू दोबारा अनलॉक करवाना पड़ेगा। तो डैट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, जो कि मैनेज कर रहा होता है जितनी भी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, यूज़र एंड पे हो रही हैं या एडमिन एंड पे हो रही हैं या वट एवर मैनेजर एंड पे हो रही है, मैनेजमेंट एंड पे हो रही है, उन सारी ट्रांजेक्शंस को मैनेज करना है TCL का काम। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बेसिकली जो आपके पास कमांड्स हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं। एक क्रिएट कमांड कि आप डेटाबेस क्रिएट कर रही हैं, ऑल्टर कि आप डेटाबेस को चेंज कर रही हैं। लेट सपोज मैं एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना चाहती हूँ, लेट सपोज मैं एट्रीब्यूट की डेटा टाइप चेंज करना चाहती हूँ, लेट सपोज मैं उस एट्रीब्यूट में जो साइज है वो चेंज करना चाहती हूँ। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप किस लिए होता है, आपके टेबल को डिलीट करने के लिए। जो कंस्ट्रेंट्स हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं वो नॉट नल, यूनिक, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों यूज। ओके, जो क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है वो किस तरह से है, क्रिएट कीवर्ड, टेबल इज आल्सो अ कीवर्ड, स्कीमा एंड टेबल, कॉलम, डेटा टाइप एंड डिफॉल्ट एक्सप्रेशन। और आप इसमें बेसिकली टेबल नेम स्पेसिफाई करते हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है, ये आपका एक जो है वो रिलेशन मॉडल है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। डिपार्टमेंट का एक टेबल है, उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर उसकी डाटा टाइप नंबर है, डिपार्टमेंट नेम उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट और साइज क्या है 14, और लोकेशन है एट्रीब्यूट और उसकी डाटा टाइप क्या है टेक्स्ट और 13। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे क्रिएट टेबल, ये दोनों कीवर्ड हैं, फिर आपने टेबल का नाम लिखना है डिपार्टमेंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होंगी और उस ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है एट्रीब्यूट्स और साथ उनकी डेटा टाइप, डिपार्टमेंट नंबर इज एट्रीब्यूट साथ उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक, कॉमा नेक्स्ट एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम उसकी डेटा टाइप वारचार और हेयर इज द साइज दैट रिप्रेजेंट 14, देन कॉमा एंड अगेन नेक्स्ट एट्रीब्यूट लोकेशन एंड वारचार एट्रीब्यूट एंड साइज इज 13 और एंड क्यूरी होगी इस सेमी कॉलन पे। जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो आपके पास ये एक टेबल आ जाएगा क्रिएट हुआ हुआ, जिसमें नेम और उसके बाद आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन और ये उसकी डाटा टाइप्स हैं और बाकी आपने अभी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किए। ड्रॉपिंग टेबल में आप जस्ट लिखेंगे ड्रॉप टेबल और साथ ये ड्रॉप टेबल आपके पास कीवर्ड है, ये एज इट इज़ यूज होंगे और साथ आपने उस टेबल को जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं और उसे रेलिवेंट सारा रिकॉर्ड और सारा डाटा और उस पूरे टेबल को डिलीट करना चाह रही हैं तब आप ड्रॉप टेबल की कमांड यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल बेसिकली ड्रॉपिंग अ टेबल, ऑल डाटा इंस्ट्रक्शन इन द टेबल इज डिलीटेड, एनी पेंडिंग ट्रांजेक्शंस आर कमिटेड, यू कैन नॉट रोल बैक द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। रोल बैक का मतलब है कि जब आपने एक दफ़ा टेबल को ड्रॉप कर दिया है, एक दफ़ा आपने कमांड लगा दी है तो आप वापस उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होती है, बेसिकली स्पेसिफाई अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम ड्यूरिंग एंड इंसर्ट। लिटरल वैल्यूज एक्सप्रेशंस और एसक्यूएल फंक्शंस आर लीगल वैल्यूज एंड अदर कॉलम्स नेम और ए सूडो कॉलम आर इलीगल वैल्यूज। द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप मस्ट मैच द कॉलम डेटा टाइप। अब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या करते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि आप जैसे आपने देखा है कि कभी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू इंटर हुई भी होती है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है।
जैसे लेट सपोज कि मैं कोई एक फॉर्म फिल करने लगी हूँ, मैं आपके मार्क्स अपलोड करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जब मैं कैलेंडर पे जाती हूँ कि आपकी असाइनमेंट किस दिन की है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो कैलेंडर पे ऑप्शन होती है वो मुझे करंट डेट दे रहा होता है। ऐसे ही होता है, तो वो क्या है, वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम किस तरह सेट करते हैं, ये जैसे एट्रीब्यूट क्रिएट टेबल किया प्रोडक्ट के नाम से, और उसके एट्रीब्यूट हैं प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर डेट एंड प्रोडक्ट प्राइस। अब साथ उनकी सबकी डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं, और डिफ़ॉल्ट का ये कीवर्ड है और नाउ लिखा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट में वो अपना टाइम देगा कि उसने किस टाइम पर मैन्युफैक्चर किया, और डिफ़ॉल्ट में उसे उस वक्त वो करंट डेट डिस्प्ले करा हो रहा होगा। इसी तरह प्रोडक्ट प्राइस में उसे करंट जो प्राइस है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जब वो फॉर्म में फिल करने लगा है उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो वो वहाँ पे 0.00 डिस्प्ले आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे सेट करते हैं। ओके, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हम लोगों के पास, कंस्ट्रेंट्स इनफोर्स रूल्स एट द टेबल एंड कॉलम लेवल। कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ अ टेबल इफ देयर आर डिपेंडेंसीज। वन शुड बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग, व्हेन टू क्रिएट अ कंस्ट्रेंट, लेवल ऑफ क्रिएशन, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, हाउ टू नेम अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली कुछ रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए टेबल या किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कॉलम के अगेंस्ट है, कि हम चाहते हैं कि इस जो एट्रीब्यूट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, इसके ऊपर हमको ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, ताकि ये जब भी इससे रिलेटेड टेबल या रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो डिपेंडेंसी हो। जब भी आप कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों से फैमिलियर होना चाहिए, कि आपने क्रिएट कब करना है कंस्ट्रेंट, लेवल ऑफ क्रिएशन किस तरह का होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हैं, और हाउ टू नेम अ कंस्ट्रेंट। अभी हम सारी चीज़ें देखते हैं कि हमने कंस्ट्रेंट क्रिएट कब किया है, लेवल ऑफ क्रिएशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, एंड हाउ टू नेम अ कंस्ट्रेंट। ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं कंस्ट्रेंट्स की, एक नॉट नल, एक यूनिक, एक चेक, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। अब जो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट है वो जो यूज़र है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि फील्ड मैंडेटरी है फिल करना, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। आपने देखा है कि जब आप फॉर्म फिल कर रही होती हैं तो कुछ फील्ड्स के आगे स्टेरिक बना हुआ हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो नल नहीं होनी चाहिए, उनमें आपने डेटा लाजमी इंटर करना है, ठीक है। वो ऑप्शनल फील्ड्स नहीं है, वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं। जो यूनिक वाली है इसका मतलब है कि वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप नहीं दे सकते। जैसे आपने एक रिकॉर्ड इंटर किया है और उसके बाद आपने दूसरा रिकॉर्ड इंटर किया, तो आप दो वैल्यूज़ उसमें सेम नहीं ऐड कर सकते। चेक जो है आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे या पर्टिकुलर टेबल। प्राइमरी की आपने बनानी है कि ये एक जो आपके पास कॉलम है या ये एट्रीब्यूट है ये प्राइमरी की है, ये हमेशा यूनिक होगा और ये मेरे पास रिलेशनल मॉडल में भी इम्प्लीमेंट होगा। और जो फॉरेन की है वो आप इसलिए उसका कीवर्ड यूज़ करेंगे, कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे कि ये एक फॉरेन की है और ये एक दूसरे टेबल से गेट की गई है और ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ हुई है। When to create a constraint at the time of table creation using create table command, after table creation using alter table command। हम constraint कब apply करते हैं, एक तो जब हमने table create किया है हम तब create table में constraint add करेंगे, और एक अगर हम table creation कर लिए हमने और उस वक्त हमें कोई constraint add नहीं करना याद रहा, तो हम alter की command use करके, alter table की command use करके उस constraint को add कर सकते हैं। ओके, वेयर टू डिफाइन अ कंस्ट्रेंट, एक हमारे पास टेबल लेवल पर होता है और एक आपके पास कॉलम लेवल पर है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप टेबल को डिफाइन करती हैं और आप उस टेबल में कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। जो कॉलम लेवल पे आप डिफाइन करते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट डिफाइन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फील्ड एट द सेम लाइन। जिस कॉलम में आप उस कंस्ट्रेंट को, जिस फील्ड एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आप उस कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं उसी की सेम लाइन में आप उस कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं।
और अगर आप टेबल लेवल पे टेबल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रही हैं तो आप पहले सारी एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, उन एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप्स और उन एट्रीब्यूट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू और कंस्ट्रेंट है तो वो ऐड करने के बाद आप एंड पे टेबल का जो भी कंस्ट्रेंट है वो ऐड करेंगे। ओके, कंस्ट्रेंट का कुछ बेसिक सिंटैक्स है, जैसे आप टेबल कंस्ट्रेंट है ये देखें एंड पे ऐड हुआ हुआ है, और कॉलम का कंस्ट्रेंट जो है वो उसी कॉलम नेम के साथ उसका कंस्ट्रेंट ऐड हुआ हुआ है, और जो टेबल नेम कंस्ट्रेंट है वो टेबल के एंड पे ऐड हुआ हुआ है। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास कंस्ट्रेंट एक क्रिएट किया टेबल एम्प्लॉय के नाम से, उसका एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक और साइज 6, नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो लास्ट नेम वाचर एंड 25, और नॉट नल हमने इसका एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया कि लास्ट नेम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ये मस्ट एंटर करना है। सैलरी नंबर में होनी चाहिए 8 और 2 आपने इसका साइज डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से कमीशन ईसीटी नंबर है न्यूमेरिक में होना चाहिए 2 एंड 2। इसी तरह से हायर डेट में डेट है और नॉट नल लास्ट नेम, इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, या फिर आप इस तरह से आपने साफ डिफाइन कर दिया है उसी लाइन में, या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि एंड पे कंस्ट्रेंट का नाम लिखें और साथ ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम लिख दें जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। ज़्यादा बेटर अप्रोच यही है कि आप उसी लाइन में उसी के साथ कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर दें। अब नॉट नल वाला क्या है कि नॉट नल में आप कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं कर सकते, आपने वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर इंटर करनी। यूनिक वाला कंस्ट्रेंट क्या है, ईमेल पे अप्लाई किया हुआ है कि ईमेल सबका यूनिक होना चाहिए, अलॉट नॉट अलॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये यूनिक का कंस्ट्रेंट है। जैसे कंस्ट्रेंट ईमेल आईडी यूनिक, आप उसको साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके हैं, आइदर टेबल लेवल और एक कॉलम लेवल। अगर आप कॉलम लेवल पे करना चाहती हैं तो आप कंस्ट्रेंट और एम्प्लॉय उस एट्रीब्यूट का नाम लिख के और फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसी रो में नेक्स्ट इस कंस्ट्रेंट को यूनिक लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। चेक का कंस्ट्रेंट क्या करता है, चेक का कंस्ट्रेंट बेसिकली कंडीशन अप्लाई करने के लिए, द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट अलाउड, रेफरेंस टू कर्ल वेल नेक्स्ट वेल लेवल एंड रो नम सूडो कॉलम्स, कॉल्स हू सेज डेट यू आई डी यूजर एंड यूजर एन एफ फंक्शंस, क्यूरीज डैट रेफरेंस टू अदर वैल्यूज इन अदर रोज। जो आपके पास चेक का कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली किसी न किसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए है, ठीक है। अब वो कंडीशन किस तरह की है, वो कंडीशन इस तरह की है, जैसे कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया एम्प्लॉय मिनिमम सैलरी के ऊपर, और वो कंस्ट्रेंट क्या है कि आपने एक चेक लगाया है सैलरी के ऊपर कि वो क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आपके पास वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जहाँ पे आपके पास सैलरी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ओके, नेक्स्ट जो प्राइमरी की का है कंस्ट्रेंट के, जैसे आप इसको प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप जो है ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी, आपने डिपार्टमेंट आईडी वाले एट्रीब्यूट के आगे उसके डेटा टाइप और उसका साइज और साथ ही उसके आपने कंस्ट्रेंट कर दिया कि ये प्राइमरी की है। इसी तरह से आप कंपोजिट प्राइमरी की का क्या करेंगे कि प्राइमरी की साथ उसके, अगर आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं तब आप साथ उसकी जितने भी वो पार्ट से मिलके बना हुआ है तो वो कंपोजिट प्राइमरी की होगी, और उसको आप कॉलम लेवल पे भी इस तरह दो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, फॉरेन की में आप बेसिकली रेफरेंस का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर आप कॉलम लेवल पे करना चाह रहे हैं तो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 और फिर उसके बाद ये एट्रीब्यूट है और ये फॉरेन की है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट वाला टेबल है और उस टेबल की क्या है डिपार्टमेंट आईडी है। आपने ये जो एट्रीब्यूट फॉरेन की का ऐड किया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी में, इसी को आप करेंगे रेफरेंसेस है, ये एक फॉरेन की है और किस टेबल से आई है डिपार्टमेंट वाले टेबल से, और वहाँ की प्राइमरी की क्या है डिपार्टमेंट आईडी है। और अगर आप इसको टेबल लेवल पे डिफाइन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की, फॉरेन की है ये किस टेबल से है, फॉरेन की है क्या डिपार्टमेंट आईडी, और आपके पास रेफरेंस है किस टेबल का डिपार्टमेंट का और ये क्या है डिपार्टमेंट आईडी।
Foreign key, define the column in the child table of the table. Constraint travel references, identify the table and column in a parent table. On delete cascade, on delete set null. Delete the dependent rows, convert dependent foreign key values to null. ये हमने टास्क किया था कि जब भी हम फॉरेन की करते हैं तो आपको याद है हमने रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी में कास्केड डिलीट और कास्केड नल वैल्यूज किया था और हमने उसको इंप्लीमेंट भी करके देखा था कि वो अगर आपने उससे रिलेटेड टेबल में पेरेंट टेबल में डाटा सारा डिलीट किया तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो भी डिलीट होगा और सेम इज द केस विद द नल वैल्यू. तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हमारे पास यूज होते हैं डेटाबेस में एसक्यूएल की लैंग्वेज में. ठीक है कि जब आप बी एस क्यूएल की क्यूरी लिखते हैं तो आप क्या करते हैं क्रिएट की बेसिकली ये सारी क्रिएट कंस्ट्रेंट्स हैं. क्रिएट कंस्ट्रेंट्स आपके कुछ टेबल लेवल पर हैं और कुछ आपके कॉलम लेवल पर हैं. कंस्ट्रेंट्स को कौन सी हैं क्रिएट की कमांड के साथ क्रिएट की एसक्यूएल क्यूरी के साथ कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं. एक नॉट नल वाला, एक आपके पास यूनिक है, चेक है, प्राइमरी की एंड फॉरन की है. और इन सबको आप टेबल लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं.